तो भाई फाइनली पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे। या ऐसा यार, रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है भाई। लाओ साइड से जा रहा हूँ अभी, कंबोडिया साइड। भाई दुनिया भर का करप्शन है यहाँ पे, कैमरा से अभी शूट नहीं कर पा रहा मैं। भाई अच्छी खासी लूट चल रही है यहाँ पे। भाई फाइनली बैठ गए हो गाड़ी पे और ये मोहतरमा भी मुझे छोड़ेगी आगे तक। लाओ सीरीज के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ लुआंग प्रभांग में और यहाँ से मैंने अभी चेकआउट कर लिया है मेरे हॉस्टल से। अभी निकल रहे फिर से VNTN के लिए। VNTN से जाएंगे हम पाक से और वहाँ पे एक दिन रुक के हम आगे निकलने वाले अगली कंट्री कंबोडिया के लिए। तो देखेंगे कैसा सफ़र रहेगा। सफ़र काफ़ी लंबा रहने वाला है क्योंकि यहाँ से अभी मैं ट्रेन लेने वाला हूँ VNTN तक, और उसके बाद देखेंगे मतलब पाक से तक जाने के लिए क्या सीन रहता है। VNTN से पाक से तक का जो सफ़र है वो लगभग 12 घंटे का सफ़र रहने वाला है, तो शायद मुझे वहाँ पे स्लीपिंग बस लेनी पड़ेगी। देखते हैं, अभी मैं टैक्सी में हूँ, अभी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। ऐसी कुछ टैक्सी है और ऐसा कुछ यार बाहर का माहौल है। एक्चुअली यार मैं टुक टुक से जाना चाहता था लेकिन मेरे पास जो ऐप था लोका उसमें टुक टुक ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने टैक्सी बुक कर ली। और वैसे भी यार बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत तगड़ी वाली धूप है, पूरा टैन हो चुका हूँ मैं, तो इसलिए मैंने टैक्सी बुक कर ली और अभी चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। देखते हैं इस टाइम सफ़र कैसा रहता है, ट्रेन कैसे रहती है। आई थिंक वही ट्रेन रहेगी, लाओस चाइना रेलवे जो है उसी ट्रेन से हम जाएंगे VNTN तक, और उसके बाद देखेंगे मतलब बस का क्या सीन होता है। अभी कुछ भी पता नहीं है कि बस कहाँ से मिलेगी, कितना पैसा चार्ज करेगी, जो भी कुछ रहता है VNTN में पहले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं, है ना। तो भाई फाइनली पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे। या ऐसा यार, रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। आते टाइम मैंने आपको दिखाया था और ये है रेलवे स्टेशन लुआंग प्रभांग का। सही बना है यार, चारों तरफ से पहाड़ियाँ है और ये बीच में ऐसा रेलवे स्टेशन है। चलो चलते हैं, देखते हैं टिकट का क्या सीन होता है VNTN के लिए। ट्रेन का टिकट निकलते हैं, पहुँचते VNTN, देन वहाँ पर जाने के बाद देखना पड़ेगा भाई कि आगे कैसे जाएंगे, है ना। चलो सफ़र काफ़ी लंबा रहने वाला है तो चलते हैं फटाफट, देखते क्या सीन होता है। 6.5 hours later। तो है गुड इवनिंग गाइज, फाइनली यार पहुंच गए हमें VNTN में। यार मैं दोपहर को ही पहुंच गया था, लगभग 12 बजे मैं लुआंग प्रभांग से निकला था और यहाँ पे मैं पहुंच गया लगभग 2:15 बजे। भाई जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा ना, इतनी गर्मी थी, खतरनाक वाली गर्मी, कि मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाया। और यार बहुत भूख लगी थी मेरे को, तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ बनाया नहीं। सीधा रेलवे स्टेशन से मैं चला आया सिटी सेंटर और यहाँ पे यार मैंने एक हॉस्टल बुक किया है। अभी कहानी में बताता हूँ कि बीच में क्या हुआ था। भाई ट्रेन काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे, मतलब लाओ चाइना रेलवे जो है ना, एक नंबर रेलवे है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब यार चाइना ने यहाँ पे ऐसी इन्वेस्टमेंट करके रखी ना तगड़ी वाली, पूछो मत, भर भर के इन्वेस्टमेंट करके रखी है। रोड्स बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं यहाँ पे। जहाँ पे भी आप जाओगे ना वहाँ पे आपको चाइना का एग्जिस्टेंस मिलेगा भाई, भाई खतरनाक वाला सीन है। ट्रेन काफ़ी ज़बरदस्त थी तो लगभग 2 घंटे में यहाँ पे पहुँच गया। और यार एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि जितना मैंने अभी नोटिस किया है ना, मैं 10 दिनों से यहाँ पे अभी लाओस में हूँ, यहाँ पे जितने भी ट्रेन स्टेशन है, जो बस स्टेशन है बड़े बड़े या एयरपोर्ट है, ये यार सिटी से काफ़ी दूर है, मतलब 12-15 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे एक ही सीन है कि रेलवे स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से अगर आपको सिटी सेंटर आना है ना, तो आना जाना यार काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी मैंने ट्रेन स्टेशन से सिटी तक आने के लिए लोका बुक की थी, मतलब 2-व्हीलर लोका बुक की थी, तो उसके लिए यार मुझे पे करने पड़े लगभग 1,90,000 की। तो यार समझ सकते हो आपकी कितना एक्सपेंसिव है। खाना पीना काफ़ी सही है लेकिन यार ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे एक्सपेंसिव लगी। तो यार आज की रात मैं VNTN में रहने वाला हूँ, कल सुबह यार मैं चेकआउट कर लूँगा हॉस्टल से। अभी तक यार मैंने बस बुक नहीं की है, अभी मेरे हॉस्टल से मैं मेरी बस बुक करूँगा, देखते कितना चार्ज करते, जो भी कुछ रहता है आपके साथ शेयर करूँगा। कल कितने बजे की बस रहती है, कितना टिकट रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में ऐसे ही बने रही है। बस अभी ये बस नाइट मार्केट के आजू बाजू में हूँ मैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है। यार इससे पहले भी मैंने आपको नाइट मार्केट दिखाया था। यार खाना वगैरह खा लिया है मैंने, अभी निकल रहा हूँ मेरे हॉस्टल की, सो जाऊंगा जल्दी, कल सुबह जल्दी उठेंगे, कल देखते हैं जो भी कुछ रहता है आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ से निकलेंगे पाक से और पाक से पहुंचने के बाद हमको आगे भी जाना है, तो चलो निकलते अभी यहाँ से और मिलता हूँ आपसे कल सुबह। सो ए गुड इवनिंग गाइस, अभी मैं हूँ VNTN में। यार कल रात को यार मैं हॉस्टल में रुका था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और मुझे काफी भूख लगी थी। 8 बजे की बस रहती है यहाँ से पाक से के लिए, तो यार मैंने आज की बस बुक की है। तो अभी बज रहे हैं 5:30,
ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे। तो यार 6 बजे यहाँ पे मुझे कैब आएगी पिक करने, यहाँ से जाएंगे बस स्टेशन, वहाँ से स्लीपर बस जाएगी पाक्से तक। तो यार तकरीबन 12 घंटे लगने वाले हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये ऐसा कुछ मेरा हॉस्टल है भाई, टीटी हॉस्टल नाम से। चलो वेट करता हूँ अभी मेरी कैब का, 6 बजे कैब आएगी। और यार स्लीपिंग बस के लिए मैंने पे की है 4,10,000 की, तो सही है। ऑनलाइन में चेक कर रहा था तो मुझे 5,10,000, 5,20,000 ऐसा कुछ बता रहा था, तो मैंने यार सीधा हॉस्टल से ही बुक कर लिया। चलो मिलता हूँ सीधा आपको बस स्टेशन पे। तो भाई यार फाइनली अपनी कैब आ गई है, अभी यहाँ से जाएंगे बस स्टेशन और बस स्टेशन से बस पकड़ के निकलेंगे आगे पाक्से के लिए। ऐसा कुछ अभी एरिया है बाहर का, ये आप देख सकते हो। यहाँ से अभी भी 20 मिनट की दूरी दिखा रहा है, अभी भी 10 किलोमीटर बाकी है। तो चलो चलते हैं बस स्टेशन, देखते हैं वहाँ पे जाने के बाद क्या सीन होता है ना। तो भाई फाइनली यार कैब ने मुझे ड्रॉप कर दिया है सदन बस स्टेशन VNTN का। यह ऐसा कुछ बस स्टेशन है, सारी बसेस लगी है, स्पेशली जो लंबी रूट की बसेस है ना वो सारी लगी है यहाँ पे। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और ये अपनी बस है भाई, बस नंबर है 2222। क्या बात है भाई, काफ़ी सही है। और ये बस अपनी को लेके जाएगी पाक्से, सही है। थोड़ा सा यार खाना ले लिया है बस में खाने के लिए, क्योंकि 12 घंटे का सफ़र रहने वाला है, तो रात में अगर भूख लगती तो थोड़ा बहुत ले लिया खाने के लिए। 7:30 बजे बस निकलने वाली है यहाँ से, अभी और आधा घंटा बाकी है, देखेंगे बस का सफ़र कैसा रहता है। बस तो यार काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो भाई यार फाइनली बस में बोर्ड कर लिया मैंने, सबसे आगे वाली सीट मिली है। ऐसे कुछ बस है यार, सही है, ये देखो ऐसे कुछ बस है। तो भाई लगभग 12.5 घंटे का सफ़र करके मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ पाक्से। ये बस स्टैंड है ऐसा कुछ यहाँ पे। सफ़र काफ़ी अच्छा था यार, बस काफ़ी अच्छी थी, पूरी स्लीपिंग बस थी। लगभग 12.5 घंटे मुझे लगे यहाँ पे। अभी यार यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ द मोस्ट फेमस बॉर्डर लॉन्ग नुक, ऐसा ही कुछ नाम है यार, और काफ़ी बदनाम बॉर्डर है। कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, पता नहीं मतलब अभी वहाँ पे कैसा सीन होने वाला है। कॉफ़ी पी रहा हूँ अभी यहाँ पे, यहाँ से निकलेंगे मिनी वैन करके बॉर्डर तक और देखेंगे वहाँ पे जाने के बाद क्या सीन होता है। यार ऐसा कुछ माहौल है, अभी बारिश वगैरह गिर के गई है पूरी, ऐसी वैन रहती छोटी छोटी। अभी बस कॉफ़ी पीता हूँ देन निकलते, देखते बॉर्डर का जो भी कुछ सीन होता है आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई सो गया था यार पूरा रात भर, मतलब पता ही नहीं चला कैसे सफ़र कटा, तो अच्छा था, मतलब सफ़र काफ़ी अच्छा था। लगभग बस के लिए मैंने पे किए थे 4,10,000 और यहाँ से वैन के लगने वाले 3,50,000। तो भाई पता नहीं मतलब इतना महंगा क्यों है, बट देखते जो भी कुछ है ना। भाई लाओस साइड से जा रहा हूँ अभी कंबोडिया साइड, भाई दुनिया भर का करप्शन है यहाँ पे, कैमरा से अभी शूट नहीं कर पा रहा मैं, यहाँ पे कैमरा निकल नहीं देते भाई, खास करके जो यूट्यूबर है उनको पता है कि वो यूट्यूब पे डालते हैं वीडियोस, तो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। भाई सारी कहानी बताने वाला हूँ जैसे मैं आगे कंबोडिया पहुँचता हूँ, सारी जानकारी देने वाला हूँ आपको। भाई वर्स्ट बॉर्डर है, ये बात बिल्कुल सही है भाई कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे वर्स्ट बॉर्डर है, सबसे ख़राब बॉर्डर है भाई, जम के करप्शन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा करप्शन है। पूरी कहानी बताऊँगा यार आपको मैं आगे जाके, ऐसे बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, देखते हैं और आगे क्या होता है। भाई यार निकल रहा हूँ अभी यहाँ से, यहाँ पे यार अभी बस नहीं है तो थोड़ा सा पैदल पैदल चल रहा हूँ, शायद अभी आज भी एडवेंचर होने वाला है। मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ अब तक कैसे आ रही है, पता नहीं अभी यार हिचहाइक करनी पड़ेगी। यहाँ से स्टंग त्रेंग नाम से कोई जगह है, एक छोटा सा टाउन है, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते, नीचे लिख दूंगा मैं, तो वहाँ तक यार जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो देखते जैसा भी कुछ होता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ, निकलते यहाँ से है ना। ऐसा कुछ माहौल है मेरे पीछे, डिग 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 डिग, ये गाड़ी जा रही है ना भाई, ये गाड़ी वाला मुझे $20 मांग रहा था भाई, उसके बाद उसने कहा कि $10। भाई अच्छी खासी लूट चल रही है यहाँ पे। यार बॉर्डर पे क्या हुआ ना, मैं आपको आगे हॉस्टल में जाने के बाद बताता हूँ, अभी देखेंगे मतलब यहाँ से कहाँ जाने वाला हो, सियाम रिप जाऊँगा या फिनम फिन जाऊँगा, ये आगे जाके पता चलेगा। चलो चलते हैं, पहले देखते हैं कोई लिफ्ट अगर मिलती है तो।
तो भाई अभी बॉर्डर से मैं जा रहा था स्टंग की तरह, भाई पता नहीं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इन दोनों ने यार मुझे लिफ्ट दी यहाँ पे। गाइस से हाय टू हेलो हाय नमस्ते। तो भाई इन दोनों ने यार मेरी हेल्प की और ये मुझे अभी छोड़ने वाले स्टंग त्रंग तक। भाई यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं, अगर आप देखोगे ना तो पूरा रास्ता खाली है। ये दोनों आगे गए, उन्होंने मुझे देखा कि मैं पैदल आ रहा था, वो फिर से मुड़ के आए पीछे और उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं आगे तक। ये देखो भाई ऐसी दो बाइक्स है और दोनों बाइक के ऊपर ये जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच यार। वो कह रहे हैं कि उनको भी बहुत से इंडियन लोगों ने काफ़ी हेल्प की है, तो वो भी यार आज मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए भाई ऐसी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको काम आती है। अगर एज ए इंडियन हम फॉरेनर को अगर मदद करते हैं तो एंड ऑफ द डे हमें भी कहीं ना कहीं उनकी मदद मिलती है ना। भाई बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, बट एनी वेज चलते अभी यहाँ से और देखते। आई कैन होल्ड इट इन, दिस इज लैपटॉप सो प्रोटेक्शन फॉर मी। या ओके गिव मी। ओके ओके फाइन नो प्रॉब्लम। वूहू व्हाट इज हिज नेम? स्पाइक। हाय स्पाइक, हेलो। भाई फाइनली बैठ गए हो गाड़ी पे और ये मोहतरमा भी मुझे छोड़ेगी आगे तक। गाइज वंस अगेन थैंक यू सो मच। यू वेलकम। या नो प्रॉब्लम, आई होल्ड इट। तो गाइज फाइनली यार स्टंट्रिंग पहुंच गए हैं। ये है मार्को। हेलो, मार्को फ्रॉम लक्समबर्ग एंड शी इज तानिया। शी इज तानिया फ्रॉम पुर्तगाल एंड वी हैव अ स्मॉल डॉग स्पाइक। या एंड हियर इज स्पाइकी। हेलो स्पाइकी से हेलो। सो भाई उन्होंने यार मुझे यहाँ तक छोड़ा है, यहाँ तक ड्रॉप किया है, बहुत ही अच्छे। मैं बस चल रहा था वहाँ से, मतलब बॉर्डर से मैं आ रहा था यहाँ तक, बट वापस वहाँ से मुझे कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था, कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, तो यार इन दोनों ने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। तो थैंक यू सो मच तानिया एंड थैंक यू सो मच मार्को। ओके एंड वी कैन मीट समवेयर इन द वर्ल्ड, यू नो व्हाट डू यू एंड व्हाट यू थिंक अबाउट द इंडिया? आई लव दैट रियली। यस एंड व्हाट अबाउट द इंडियन फूड? I didn't like it. Ah, okay. It's spicy. Yeah, yeah. I don't support well okay. Spicy. Yeah, yeah. He loved. I love chicken biryani. Yeah. Have you tried chicken biryani? Yeah. For me, it was very hard with the spicy. Okay. But after some time, I realized that I don't need so much meat. Yeah. Supposed exactly. To eat right. In my brain. Right. But because you have like a lot of variety of yes. Food. Yes, yes, yes. Vegetarian. Yes, yes. And it was nice to try new foods. Right. But for me, no. I okay. Need no spicy at all. I love the momos. Oh, momos. Yeah. Momos. Yeah. Very, very nice. Yeah. I really thought this is a good business for Luxembourg. Momos. इन दोनों को यार बहुत-बहुत धन्यवाद यार मेरी तरफ से. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑम ओके थैंक यू सो मच यू हेल्प मी अलॉट। या तो भाई चलो अभी देखेंगे यहाँ से कैसे जाते हैं। अभी मुझे जाना है फेनोम फेन, तो यहाँ से कुछ वर्कआउट होता है तो देखते हैं कि बस जाती है क्या जाती है, तो देखेंगे। लेकिन यार अभी टाउन में पहुँच गया हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हल निकाल लेंगे। तो भाई यार तानिया ने मुझे यार ये गिफ्ट किया स्टिकर, ये सोवेनियर। थैंक यू सो मच तानिया फॉर दिस स्टिकर, थैंक यू सो मच एंड यू आर वेरी नाइस। या नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इस पे यार उनका इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि ये कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। पिछले 2 साल से इन्होंने 28 कंट्रियाँ मतलब घूमे पिछले 2 साल से। तो यार ये काफ़ी सही है यार, ज़बरदस्त है ना।